भाई ये फिल्म देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी लोग फंसते हैं या नहीं फंसते हैं वो पता नहीं, पर ये फिल्म देख के लगा कि ये दोनों लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, जो हमारे प्रकाश जी हैं और जो आदित्य ओझा हैं, दोनों की पत्नियों ने इतना बुरी तरह फंसाया है दोनों को कि ये बेचारे बिल्कुल ही प्रताड़ित हो चुके हैं। तो लोग जब देखेंगे तो रिलेट करेंगे, उनको भी लगेगा कि उनके साथ भी ऐसा घटित होता है, वो लोग भी कभी कभी कुछ और सोचते हैं, पत्नियां कुछ और सोचती हैं। तो ये फिल्म देख के लोगों को अपने खुद के घर की घटनाएं याद आएंगी और बहुत मज़ेदार फिल्म बनी है। ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि आप का प्यार आशीर्वाद है कि भोजपुरी सिनेमा बन रहा है, भोजपुरी सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ख्याति पा रहा है, तो अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखें और आपका प्यार आशीर्वाद जितना मिलता रहेगा उतनी अच्छी अच्छी फिल्में हम लोग बनाते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है और लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, जहाँ नहीं रिलीज हुई है वहाँ के लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पूछते हैं कि यहाँ कब लगेगी। तो फिल्म अच्छी बनी है और जहाँ जहाँ रिलीज हुई लोगों ने बहुत पसंद किया, उनको बहुत मज़ा आया, हिंदुस्तानी में जितना मज़ा किए थे उसका डबल मज़ा लिए लोग। तो अब जहाँ जहाँ रिलीज नहीं हुई थी 4 अगस्त को आ रही है, तो वो लोग भी अब तैयार बैठे हैं कि जैसे फिल्म आएगी तो वो लोग देखेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप तैयार हो जाएंगे हिंदुस्तानी 3 के लिए। प्लैनेट भोजपुरी।